नमस्कार, हम गौची लियोंग का 22वां अध्याय करेंगे, जिसमें हम गर्म टेम्परेट क्षेत्रों में पश्चिमी मार्जिन्स के बारे में देखेंगे, जिसको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो हमने नीचे के सारे जो क्लाइमेटिक एरियाज़ हैं वो कवर कर लिए हैं। अब ये चार क्लाइमेट एरियाज़ बचे हैं, जिसमें से आज हम ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट करने वाले हैं। अब अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो जो ब्रिटेन का क्षेत्र है, जो पश्चिमी अमेरिका का क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो पश्चिम क्षेत्र है, फिर आपका चाइल का एरिया है दक्षिणी अमेरिका में, और तस्मानिया और न्यूजीलैंड का क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके वेस्टर्न टाइप क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो अगर आप मैप पे देखना चाहते हैं, ग्लोब पे देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो इंग्लैंड का क्षेत्र हुआ वो पूरा क्षेत्र है, फिर पश्चिमी अमेरिका का कोस्ट, दक्षिण भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में आपका चाइल का क्षेत्र जो कि आपके साउथ अमेरिका में आता है, और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसके नीचे तस्मानिया है, और इस तरफ न्यूजीलैंड है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट है, तो बास स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ट्रांजिट होता है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? साइक्लोन का बहुत इन्फ्लुएंस है, ज़्यादातर क्षेत्र समुद्र के पास में है तो समुद्र का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। मुख्य क्षेत्र इसका इंग्लैंड के पास में आता है, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन टाइप मैरीटाइम टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमने इसके बारे में समझी। अब यहाँ का मौसम कैसा रहता है, जलवायु कैसी रहती है? तापमान 40 से लेके 60 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, कभी भी बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं होता है। सर्दियाँ ठीक ठाक ठंडी होती हैं और गर्मियाँ भी बहुत गर्म नहीं होती, इसलिए इस जगह को सबसे बेस्ट रीजन माना गया है या आइडियल माना गया है। जब वो एरिया है जहाँ पर आदमी का कम्फर्ट लेवल और अलर्टनेस लेवल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मौसम हमने देखा है उसमें जो गर्मियाँ हैं वो ठीक ठाक गर्म होती हैं, और जो सर्दियाँ हैं वो भी एक्सट्रीम ठंडी नहीं होती हैं। तो डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए ये क्षेत्र सबसे अच्छा माना गया है। स्नोफॉल सिर्फ पहाड़ी इलाकों में देखा गया है, जो निचले इलाके हैं उसमें बहुत कम स्नोफॉल देखने को मिलती है। बारिश जो होती है यहाँ पर पूरे साल ही चलती रहती है, पर सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो पतझड़ और सर्दियों के मौसम में होती है। जो स्प्रिंग का मौसम होता है और जो गर्मियों का मौसम होता है वो ज़्यादातर शुष्क रहता है। जो पश्चिमी हिस्से हैं वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पूरब की तरफ आते जाते हैं बारिश का प्रतिशत कम होता जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड में सदर्न एल्प्स में आपके जो पश्चिमी पहाड़ियां हैं वहाँ पर 200 इंच बारिश होती है, पर अगर वहाँ से आगे आके आप कैंटेबरी प्लेन्स पे आ जाएं तो वो क्षेत्र आपका रेन शेडो एरिया कहलाता है, जहाँ पर 25 इंच वर्षा भी नहीं होती। मुख्यतः चार सीज़न पाए गए हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़। पतझड़ के मौसम में यहाँ पर पत्तियों पर विभिन्न विभिन्न रंग देखे जाते हैं, गोल्डन पत्तियाँ भी कहा जाता है इसको, और इस सीज़न को, पतझड़ के सीज़न को यहाँ पर फॉल भी कहा जाता है। जो सर्दियाँ हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़ गिरती है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरती है। जो स्प्रिंग है, जो बसंत का मौसम है, वो सबसे सूखा और सबसे रिफ्रेशिंग मौसम माना जाता है। अब वेजिटेशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या वनस्पति यहाँ उगती है, तो मुख्यतः यहाँ पर टेम्परेट हार्डवुड ट्रीज उगते हैं, जैसे ओक, बर्च, बीच और पॉपुलर। पर जो गीले इलाके हैं, जो नम इलाके हैं, वहाँ पर विलो, एल्डर और एस्पन भी देखे गए हैं। इसके अलावा भी कई सारी स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। मुख्यतः यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो एक जगह पे एक जैसे पेड़ होते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर लंबरिंग बहुत आसान है, क्योंकि सारे एक जैसे पेड़ों को एक साथ काटा जा सकता है कागज़ बनाने के लिए, तो उसको हम लंबरिंग कहते हैं, या फर्नीचर बनाने के लिए। पेड़ों के नीचे जो अंडरग्रोथ होती है वो बहुत कम पाई गई है। तस्मानिया में मुख्यतः यूकलिप्टस पाए गए हैं, और रॉकीज, एंडीज और अमेरिका के क्षेत्रों में, आल्प्स के क्षेत्रों में, यूरोप में मुख्यतः कॉनिफर पेड़ पाए गए हैं। और जो ज़्यादातर पेड़ यहाँ पर देखे गए हैं वो हैं डेसूडियस, मतलब वो एक सीज़न में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। यूरोप में अगर हम देखें तो वो नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स है,
किसी टाइम पे वो एक्सपोर्ट करता था, उसके पास थोड़ा सरप्लस होता था, पर अब वो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है। फिशिंग एक सबसे कॉमन एक्टिविटी है जो ब्रिटेन, नॉर्वे और ब्रिटिश कोलंबिया में देखी गई है कनाडा में। अब सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं जो यहाँ पर दो प्रकार से हैं, मार्केट गार्डनिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। मार्केट गार्डनिंग मतलब जो शहरी इलाके हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है और ट्रकों से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाया जाता है, इसलिए इसको अमेरिका में तो ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। मुख्यतः अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं, जैसे नेदरलैंड्स में फूल उगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है। डेनमार्क में आपके दुग्ध प्रोडक्ट्स, एग और बेकन पाया जाता है। नेदरलैंड्स में हमने ऑलरेडी बात की कि फूल और बल्ब उगाए जाते हैं। इसी तरीके से साउथ वेस्ट इंग्लैंड में सब्जियां, पोटैटो और टमाटो, ये मुख्य फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे हमने बात की थी, अभी तस्मानिया है, तस्मानिया को गार्डन स्टेट भी कहा जाता है और वहाँ पर बीच में बास स्ट्रेट लगता है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट किया जाता है। अब मिक्स्ड फार्मिंग वो होती है जो चारे के लिए भी और कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी फार्मिंग की जाए, तो जानवरों के लिए भी चारा उगाया जाता है और आदमी के कंजम्पशन के लिए भी उगाया जाता है। दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ की जाती हैं। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये क्या प्राइस है, क्या डिमांड है, उस पे डिपेंड करता है। सबसे जो कॉमनली उगाई जाती है फसल वो है वीट। वीट या गेहूं जो है वो मुख्यतः लोकल कंजम्पशन के लिए, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है आपका बार्ले। बार्ले या जौ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मुख्यतः बेवरीज में जाता है और मुख्यतः साउथ ईस्ट ब्रिटेन में जहाँ पर 30 इंच से कम बारिश होती है वहाँ पे माल्टेड बार्ले उगाया जाता है। बार्ले ओट के साथ जब उगाया जाता है तो उसको ड्रेंच कॉर्न कहा जाता है। और ये दोनों क्रॉप जब भी उगती हैं तो ये क्रॉप रोटेशन में उगती हैं, मतलब इनके साथ में या तो एक लेगुमनस क्रॉप उगाई जाएगी या एक रूट क्रॉप उगाई जाएगी। लेगुमनस क्रॉप में आपके बीन्स हो सकते हैं, रूट क्रॉप में आपके टर्निप हो सकते हैं। अब अगला है किस एरिया में क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है। नेदरलैंड में चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, डेनमार्क में बटर का प्रोडक्शन होता है, आपके इंग्लैंड के क्षेत्रों में क्रीम का प्रोडक्शन होता है और दुग्ध प्रोडक्ट से ही एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको केसीन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसीन से प्लास्टिक बनता है, पेपर बनता है और कई दवाइयों में भी केसीन काम में आता है। जो मुख्यतः बछड़े पाले गए हैं, जो कैटल्स पाले गए हैं, उनकी ब्रीड्स हैं ग्रूशियन, एशायर और फ्रीशियन। और जो ब्रिटेन, डेनमार्क और नेदरलैंड के क्षेत्र हैं इनको डेयरिंग नेशंस ही कहा गया है। इसके अलावा पिक्स भी पाली जाती हैं कई क्षेत्रों में और डेनमार्क जो है वो पिक्स का जो बैकन है उसको एक्सपोर्ट करता है। अब इसके अलावा भेड़े पाली जाती हैं जो कि वापस बहुत इम्पॉर्टेंट है। भेड़े पालने का काम ब्रिटेन के लाइकेस्टर, लिंकन्स और साउथ डाउन्स ब्रीड के नाम से किया जाता है जो कि मटन और वूल दोनों के लिए पाली जाती हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्रीड पाली जाती है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली नाम याद करने हैं और कौन सी ब्रीड कहाँ पाई जाती है, कई बार इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला है कि पहले ये जो क्षेत्र थे ये जो ऊन है उसको एक्सपोर्ट करते थे, पर अब ये ऊन एक्सपोर्ट करने की जगह जानवरों को ही एक्सपोर्ट करने लग गए हैं नई नई जगहों पे जहाँ पर भेड़ों की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो जो न्यूजीलैंड का कैंटेबरी प्लेन है वहाँ पर शीप रियरिंग होता है, जैसे हमने ऊपर कैंटेबरी प्लेन की बात कही थी तस्मानिया के क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, तो वहाँ पर शीप रियरिंग होता है। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में हर व्यक्ति पर 20 भेड़े हैं, तो वहाँ पर भेड़ों की जनसंख्या अत्यधिक है। पर फिर भी यहाँ पर जो भेड़े हैं वो मुख्यतः मटन एक्सपोर्ट के लिए काम में ली जाती हैं, वूल एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम काम में ली जाती हैं। और कुल जो दुनिया भर में भेड़े पाई गई हैं उसका 4% ही न्यूजीलैंड में है। इसके अलावा दो प्रमुख फसलें हैं आलू और बीट शुगर जो यहाँ पर पाई जाती हैं। आलू जो है वो यहाँ की एक स्टेपल क्रॉप है जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुख्यतः वीट के साथ जो दूसरी क्रॉप यहाँ काम में आती है वो है आलू। आलू जो है एक बीमारी के लिए प्रोन है जिसको कहते हैं ब्लाइट, जो एक वायरल इन्फेक्शन है। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पेरू और बोलीविया के लोगों ने इसको डिस्कवर किया था।
दुनिया का 2/3 आलू का प्रोडक्शन यूरोप में होता है, उसमें से भी मुख्यतः पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के क्षेत्रों में होता है। मुख्यतः ये जो आलू यहाँ से निकलता है ये आदमी के कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, ये जानवरों के चारे के लिए होता है और इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के काम में आता है। अगला है बीट शुगर, जो कि वापस बहुत हिस्टोरिक है, इम्पॉर्टेंट है। 1800 में नेपोलियन वॉर्स हुए थे और उस टाइम पे शक्कर की बहुत कमी हो गई थी, तो पहली बीट शुगर फैक्ट्री लगाई गई 1801 में और फिर सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी दी इस पर कि शुगर का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इसके चलते पूरे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में सिर्फ यूरोपियन रशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों को छोड़कर बीट शुगर का प्रोडक्शन शुरू हुआ। मुख्यतः ये कैश सेल्स के लिए उगाई जाती है और क्रॉप रोटेशन में ही उगती है। ज़्यादातर गर्म और सूखे इलाकों में ये उगाई जाती है, तो ईस्ट जो है ब्रिटेन का वहाँ पर ये ज़्यादा उगती है और इसकी सबसे ज़्यादा ईल्ड जो है वो पतझड़ के मौसम में देखने को मिलती है, जब मौसम ज़्यादा शुष्क और धूप वाला होता है। सबसे ज़्यादा जो बीट शुगर फैक्ट्रीज हैं वो फेंस में पाई गई हैं। फेंस जो है वो ईस्ट इंग्लैंड का एक क्षेत्र है जिसको फेनलैंड भी कहा जाता है, और ईस्ट एंजिला जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ पर भी इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज पाई गई हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये 22वां चैप्टर ख़त्म होता है गौची लियोंग का। हम आगे के और चैप्टर्स आगे की कक्षाओं में करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।